नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदिक जानकारी में। आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सन इंडिया स्वास्थ्यवर्धक कैप्सूल्स के बारे में, जो काफ़ी पॉपुलर एक सप्लीमेंट्स होता है, जो फुल फैमिली के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार के रोग हो रहे हैं, एनीमिया के प्रॉब्लम है, भूख वगैरह जैसी कंडीशन हो जाती है, तो उसके लिए आप सन इंडिया स्वास्थ्यवर्धक कैप्सूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों इस प्रकार का पूरा बॉक्स आता है, 175 रुपये जिसकी कीमत होती है, और 3 स्ट्रिप इसमें 20 कैप्सूल की पैकिंग में इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। रेड कलर के कैप्सूल ही अवेलेबल हो जाते हैं। आपको ये इजीली मेडिकल स्टोर में ऑनलाइन साइट पे भी देखने को मिल जाएंगे। इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप इसको वहाँ से आसानी से परचेज कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही सेफ एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है, जिसको आयुर्वेदिक हेल्थ टॉनिक की तरह ही यूज़ किया जा सकता है। प्लस ये सन इंडिया फार्माकुलर का एक आयुर्वेदिक और अच्छा इंग्रेडिएंट साथ देखने को मिल जाता है। GMP सर्टिफाइड कंपनी है दोस्तों। एक पत्ते की कीमत 58 रुपये होती है और आपको डिस्काउंट के साथ 50 रुपये का इजिली मिल जाएगा अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं। तो जल्दी से जाकर आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी जानेंगे सन इंडिया स्वास्थ्यवर्धक के बारे में, क्या इसमें इंग्रीडियंट्स होते हैं, क्या क्या इसके फायदे होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने को मिल सकते हैं, कितने समय तक आप इसका यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अपने नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपसे उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसमें कई प्रकार के इंग्रेडिएंट है, यानी 20 से 25 इंग्रेडिएंट इसमें मेंशन करे हैं, जैसे कि आपका काशनी हो गया, कंठकारी, अर्जुना, जैतून, मंडूर भस्म, शिलाजीत जैसे इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। साथ में सफ़ेद मुसली हो गया, सौंठ हो गया, भृंगराज जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं, गिलोय हो गया, जावित्री हो गया आपका, जायफल हो गया, अश्वगंधा, लोह भस्म, त्रिफला हो गया, कालकमंडी हो गया आपका, अभ्रक भस्म हो गया, विढारा, अकरकरा जैसे इंग्रेडिएंट, और वंग भस्म जैसे कौंच बीज हो गया, जीरा, सौंठ जैसे इसमें कई प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसकी जानकारी आपको सारी यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है। साथ में आपको क्वांटिटी भी बता रखी है कि भैया कितनी क्वांटिटी में आपकी ये जो इंग्रेडिएंट है वो डाले गए हैं। अब आप इसका समझ ही सकते हैं कि कितने अच्छे इसके यूज़ हो सकते हैं, जिसमें आपको शिलाजीत मिल रहा है, सफ़ेद मुसली मिल रहा है, सौंठ मिल रहा है, भस्म मिल रही है, अश्वगंधा जैसे इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं। जो अश्वगंधा होता है सबसे ज़्यादा बल्यवर्धक होता है, और शिलाजीत जो होता है, सफ़ेद मुसली जो होता है, ये आपकी यौन शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, यूजेस के बारे में। सबसे पहला जो मुख्य यूज़ है दोस्तों इसका, वो एनीमिया की समस्या को दूर करता है, यानी खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। साथ में आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में उपयोगी होता है। सेक्स संबंधित समस्याओं को भी दूर करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें शिलाजीत है आपका, सफ़ेद मुसली है, और भस्म है जो ग्लोय भस्म है, जावित्री जैसे इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जो आपकी यौन शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। साथ में जो काम कैसे करता है ये इस प्रकार से, तो हम छोटे से समझ लेते हैं। मतलब ये आपके लिंग में जो रक्त प्रवाह को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपकी यौन शक्ति जो होती है इंक्रीज हो जाती है। साथ में ये डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूवमेंट देता है, यानी अगर आपको खाना पचन नहीं होता है, कब्ज की समस्या रहती है, बार बार लैट्रिन वगैरह आती रहती है, लीवर का समस्या है, जैसे कि लीवर में समस्या होती है, भूख नहीं लगती है, कमजोरी आ रही है, तो सभी प्रकार के लीवर फंक्शन के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक कैप्सूल्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपको क्या होता है कि भूख तो लगती है, खाना भी आप बहुत ज़बरदस्त खाते हैं, शरीर में नहीं लगता है, तो स्वास्थ्यवर्धक कैप्सूल्स आपको इसमें भी मदद करता है। साथ में जो लोग दुबलेपन है, कमज़ोर रहते हैं, भूख की कमी हो रही है, तो वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जो अपना वजन भी बढ़ाना चाहते हैं तो भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। और ये UTI के इन्फेक्शन में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जैसे कि पेशाब पीलापन आ रहा है, पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब रुक रुक के हो रहा है, अगर आपसे समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो आप स्वास्थ्यवर्धक जैसी कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं। और क्या यूज़ हो सकते हैं इसके, और होते हैं जैसे हेयर के प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है, यानी हेयर फॉल हो रहा है किसी का, हेयर फॉल टूट रहा है, बाल सफ़ेद हो रहा है, क्योंकि इसमें भृंगराज है आपका, अर्जुना है, और त्रिफला जैसे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। त्रिफला यानी जिसमें आंवला वगैरह इंग्रेडिएंट है, जो आपके बालों को लंबा करने में मदद करता है, साथ में आपके बालों की जड़ों को मजबूती देता है। और क्या कंडीशन हो सकती है इसके साथ, जैसे कि हाथ पैर जिसकी कमजोरी हो रही है, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, कंपन बढ़ी रहती है, तो उनमें भी इसका यूज़ कर सकता है। न्यूरो सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, जैसे नसों के दर्द की वजह से कमजोरी रहती है, या फिर जिनका
टाइमिंग इंक्रीमेंट नहीं रहता है या फिर थकावट रहते हैं, जो लंबे समय तक बाहर फील्ड का काम करते हैं थकावट बनी रहती है, कमजोरी बनी रहती है, तो स्वास्थ्यवर्धक उनके लिए बहुत ही अच्छा एक सप्लीमेंट्स हो सकता है। साथ में ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, यानी आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी इंक्रीमेंट देता है, आपके रोगों से लड़ने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। गठिया रोग हो गया आपका, किडनी लिवर इन्फेक्शन हो गया, ऐसे सभी प्रकार के नसों के या फिर शरीर के सभी प्रकार के कंडीशन के लिए आप स्वर्ण इंडिया का स्वास्थ्यवर्धक का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जो एक अच्छा प्रोडक्ट होता है इसी के बारे में हम इस चैनल पे आपको जानकारी देते हैं। बात करते हैं इसको उपयोग करने का तरीका क्या होता है। एडल्ट यानी 18 प्लस के एज को दो दो कैप्सूल सुबह शाम इसको लेना होता है, गर्म पानी के साथ या फिर दूध के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। और 6 से 12 साल तक के बच्चे जो होते हैं या 15 साल तक के होते हैं उनको एक एक कैप्सूल दिया जा सकता है दूध या गर्म पानी के साथ। प्रिक्यूशन के सावधानी की बात कर सकते हैं, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, टीबी का फंक्शन है या फिर डिजीज़ है कोई भी, लिवर से किडनी का लंबा बीमारी चल रहा है, तो उनको यूज़ ये नहीं करना चाहिए। और छोटे बच्चों को इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, 6 साल से कम बच्चों को इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर आप दवाई इसके साथ और लेना चाहते हैं तो डॉक्टर से इसके बारे में परामर्श ज़रूर लीजिएगा, या फिर कोई और मेडिसिन ले रहे हैं तो इसका आप यूज़ कर रहे हैं तो भी इसके बारे में जानकारी ज़रूर लीजिएगा। ओवरडोज ना लीजिएगा, कुछ साइड इफ़ेक्ट अगर आप हो सकते हैं जैसे कि दस्त लगना हो सकते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जो मल्टीविटामिन्स होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, उनका क्या होता है कि दो पेट खराब कर देते हैं, तो इसलिए जितनी मात्रा में आपको डॉक्टर रिकमेंड उतनी ही मात्रा में इनका यूज करना चाहिए, या फिर कोई भी मल्टीविटामिन कैप्सूल हो उनका उतनी मात्रा में ही उपयोग में लाना चाहिए। एक कैप्सूल दोस्तों आपको 500 mg का मिल जाता है। तो ये है दोस्तों सन इंडिया का स्वास्थ्यवर्धक स्पेशल कैप्सूल के बारे में, पूरी तरीके से हमने आपको जानकारी दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज के लिए इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है अंकुश94 के नाम से, डायरेक्टली आप हमें DM करके अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और परचेज करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।